टीम इंडिया को जल्द मिलने जा रहा है नया वनडे कप्तान। रोहित शर्मा की कर दी जाएगी छुट्टी, ये खिलाड़ी संभालेंगे कमान। वर्ल्ड कप के बाद पूरी तरह बदल जाएगी टीम इंडिया। गांगुली, धोनी, विराट और रोहित की विरासत संभालने को तैयार है धाकड़ खिलाड़ी। हो गया ऐलान, जानिए कौन बनेगा भारतीय टीम का कप्तान। सौरव गांगुली के बाद जब टीम इंडिया को एक ठीक ठाक कप्तान नहीं मिल रहा था, तब काफी खोजबीन के बाद युवा महेंद्र सिंह धोनी को कप्तानी सौंपी गई। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया। धोनी ने जिस तरह से कप्तानी संभाली, उसने एक दशक तक टीम इंडिया को संभाले रखा। उसके बाद विराट आए, उन्होंने भी शानदार तरीके से कप्तानी की, लेकिन तमाम विवादों और राजनीतिक षड्यंत्रों की वजह से विराट की कप्तानी चली गई। उसके बाद रोहित शर्मा के साथ साथ टीम इंडिया के कप्तान रोज रोज बदलने लगे। राहुल, धवन, हार्दिक, पंत, बुमराह सबने कप्तानी कर डाली, लेकिन अब टीम इंडिया को एक परमानेंट कप्तान मिलने वाला है और ये सब होगा इसी साल वर्ल्ड कप के बाद। जी हाँ, दरअसल वनडे वर्ल्ड कप 2023 इसी साल भारत में खेला जाना है। टीम इंडिया घर में इस टूर्नामेंट को जीतने की सबसे बड़ी दावेदार है। रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गजों के लिए यह आखिरी वर्ल्ड कप भी साबित हो सकता है। ऐसे में वो हर हाल में इसे जीत के साथ खत्म करना चाहेंगे। खासकर कप्तान रोहित तो अपनी कप्तानी में इतिहास रचने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसी बीच दिग्गज सुनील गावस्कर ने रोहित की कप्तानी पर एक बड़ा बयान दिया है, जिसने क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया। आपको बता दें कि भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर का मानना है कि हार्दिक पांड्या को इस साल वर्ल्ड कप के बाद वनडे टीम की कमान सौंप दी जाएगी। गावस्कर ने अपने बयान में कहा, मैं T20 फॉर्मेट में गुजरात टाइटंस और फिर भारत के लिए उसकी कप्तानी से बहुत प्रभावित हूँ। मेरा मानना है कि अगर वो मुंबई में पहला मैच जीत जाता है तो 2023 में वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद आप भारत के कप्तान के लिए उसके नाम पर मोहर लगा सकते हैं। वो मिडिल ऑर्डर में इम्पैक्ट और गेम चेंजर खिलाड़ी है। यहाँ तक कि गुजरात टीम के लिए भी वो जरूरत के मुताबिक ऊपर के क्रम में बल्लेबाजी के लिए आता था। आपको बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन वनडे मैच की सीरीज के पहले मुकाबले में हार्दिक ही टीम के कप्तान होंगे, क्योंकि रोहित शर्मा निजी कारणों से छुट्टी पर रहेंगे। ऐसे में गावस्कर का कहना है कि पहला मुकाबला अगर हार्दिक जीत जाते हैं तो उनकी दावेदारी बतौर कप्तान और मजबूत हो जाएगी। वहीं गावस्कर इससे पहले भी हार्दिक पांड्या की तारीफ कर चुके हैं और इशारों ही इशारों में रोहित से बेहतर लीडर बता चुके हैं। गावस्कर का मानना है वो ऐसा खिलाड़ी है जो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है, आगे बढ़कर टीम का नेतृत्व करता है। वो दूसरे खिलाड़ियों को कुछ ऐसा करने के लिए नहीं कहेगा जो वो खुद करना चाहता है। वो इस टीम के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वो खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ाकर स्थिति को ठीक से संभालता है। अब इससे समझा जा सकता है कि गावस्कर हार्दिक को बतौर कप्तान देखने के लिए कितने उतावले। ऐसे में देखना होगा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में हार्दिक किस तरह से कप्तानी करते हैं, क्योंकि T20 में तो उन्होंने अपनी कप्तानी का लोहा मनवा दिया है। अब इंतजार वनडे का है। ऐसे में हार्दिक के वनडे करियर पर एक नजर डाल लेते हैं। हार्दिक ने अभी तक 71 वनडे मुकाबले खेले, जिसमें उन्होंने 1518 रन बनाए हैं। इस दौरान 33.73 का एवरेज और 113.28 की स्ट्राइक रेट रही है। अभी तक हार्दिक ने 950 लगाई है, 92 रन हाईएस्ट रहा है। तो अब देखना होगा कि हार्दिक अपने करियर को किस तरीके से आगे बढ़ाते हैं और विश्व कप के बाद उनके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी आती है। फिलहाल आप हार्दिक को बतौर वनडे कप्तान देखना चाहते हैं या फिर नहीं, कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत पॉजिटिव।